अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद होगी आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेहती ऐप में जो आपने डोज लगवाया फर्स्ट टाइम का, तो उसमें अभी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है वो भी हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उसको डाउनलोड कैसे करना है काफ़ी लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको सेहती ऐप से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है कि अपने वैक्सीन लगवाने के बाद जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों पहले आपको मैं बता दूँ, सेहती ऐप में अगर आप दोनों के दोनों वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आप इसको बिना पीसीआर टेस्ट के आप कहीं पर भी जा आ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर जाते हैं तो पीसीआर टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है दोनों का दोनों तो आपको फिर कहीं पर भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पेपर के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए हम बता देंगे आपको कैसे आप इसको डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ तीन इस तरह से आपको ऑप्शन निकल कर आ जाता है। लास्ट वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक है, यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट लिख रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है आपको। इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों कुछ ही सेकंड में यहाँ पर इंटरफेस खुल करके देख सकते आ जाता है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये निकल करके आ जाता है। तो आप इसको क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीनशॉट कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम बताते हैं दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है, शेयर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल बन करके तैयार हो जाएगी इसके अंदर। इसमें आप अगर चाहिए तो यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नाम चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली सेव के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करके दोस्तों ये आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आप इसको सेव करके रख ले रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो यही एक फ़ायदा इस मेडिकल रिपोर्ट का, तो आप भी इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। तो वीडियो छोटी सी प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। बहुत ही मेहनत चल रही है इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।